नोएडा से बड़ी खबर, जहां दिल्ली बॉर्डर के पास में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूरी तक की शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। नोएडा के डीएम ने जारी किया है आदेश। तो थाना 20 से 24 और 39 में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। संवाददाता ग्रेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रेश, दिल्ली बॉर्डर के पास शराब की दुकानें बंद करने के आदेश। तौर से जिस तरह से दिल्ली में हिंसा भड़की थी, उसके बाद नोएडा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया था। जगह जगह बॉर्डर चेकिंग अभियान शुरू किए गए थे। इसी के चलते डीएम ने एक आदेश जारी किया है, जिसके चलते आज पूरे दिन जो शराब की दुकानें हैं 3 किलोमीटर के दायरे में, वो पूर्णतः बंद रहेंगी। बिल्कुल गिरीश, किस आधार पर यह आदेश यहाँ पर दिया गया है और इन आदेशों का कितना असर धरातल पर दिख रहा है इस वक्त? जी, फिलहाल बात करें दिल्ली की, तो बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है नोएडा है, और लगातार जो नजर बनाए हुई है नोएडा पुलिस की, कहीं यहाँ से भी कुछ उपद्रवी वहाँ ना पहुंचे, जिसको लेकर तमाम बॉर्डर जो हैं वो सील किए गए हैं। कुछ बॉर्डर जो खुले हुए हैं उनमें चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही लोगों को भेजा जा रहा है। उसी के चलते इस जो शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश भी जारी हुआ है, और फिलहाल जो जिलाधिकारी ने पूर्णतया जो 3 किलोमीटर के दायरे में सभी ठेके बंद करने का आदेश दिया है, और सभी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी दुकान इस दौरान ना खुले। चलिए गिरीश, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।